बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू जी बायो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं और उनका फंक्शन क्या है। सो एज़ वी नो दैट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स अस द फंडामेंटल एबिलिटी टू ब्रीथ। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुसलसल एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसीलिए वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी ज़रूरी होता है। तो यही वो सिस्टम है जो कि गैस एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहा होता है। अपनी आसानी के लिए हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट जो है दैट इज़ एयर कंडक्टिंग पोर्शन, और उसमें एयर पासेजवेज होते हैं। और सेकेंड पार्ट जो है दैट इज़ गैस एक्सचेंज पोर्शन। एयर पासेजवेज में जो पहला पार्ट है दैट इज़ नोज़, इसमें हम नॉस्ट्रल्स, नाजल कैविटी और उसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट फेरेंक्स है विच एक्ट्स एज अ जंक्शन, और उसके बाद थर्ड पार्ट है लेरेंक्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर ट्रेकिया है जिसे हम कॉमनली विंड पाइप कहते हैं। उसके बाद जब वो स्प्लिट हो जाता है तो टू स्टेम ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, और एट द एंड हमारे पास ब्रोंकियोल्स आते हैं। तो यही वो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से एयर गुजरती हुई गैस एक्सचेंज पोर्शन तक पहुँच जाती है। गैस एक्सचेंज पोर्शन में एल्वियोलाई होते हैं विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। इन तमाम स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऑल राइट, वेलकम बैक। दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस डायग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसके अलावा आपको वीडियो के एंड पर भी मिल जाएगा, सो इसे भी लाजमी देख लीजिए। इसमें डिफरेंट पार्ट्स को सिंपली ड्रॉ किया गया है, और अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो एयर है वो बॉडी के अंदर नोज के थ्रू भी एंटर हो सकती है और उसके अलावा माउथ के थ्रू भी एंटर हो सकती है। बट नोज इज़ द कॉमन वे ऑफ पासिंग एयर, दैट्स वाई नोज इज़ कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद ये इनसाइड जो हॉलो स्पेस नज़र आ रही है, दिस इज़ नेजल कैविटी। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट जो है फेरेंक्स है, और फेरेंक्स के बाद फिर लेरेंक्स। उसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और एट द एंड एल्वियोलाई तक पहुँच जाती है जहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज हो जाता है। अब अगर आप इस एल्वियोलाई को ऑब्जर्व करें तो इसके आउटसाइड पर कैपिलरीज हैं, तो इस जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है जो कि पल्मोनरी आर्टरियोल के थ्रू आ रहा होता है, और यहाँ पे गैस एक्सचेंज के बाद ऑक्सीजन एंटर हो जाती है ब्लड में, और ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर स्पेस में आ जाती है। अब क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो चुकी है, लिहाजा जो ब्लड यहाँ से वापस जाता है वो ऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एयर पासेजवेज या एयर कंडक्टिंग पोर्शन। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ नोज़, एंड एज यू नो दैट नोज़ इज़ द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी पार्ट आपको बाहर से नज़र नहीं आता, तमाम पार्ट्स इंटरनल होते हैं। नोज़ की कंपोजिशन को देखा जाए तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड फाइब्रोफैटी टिश्यूज़। उसके बाद नॉस्ट्रिल्स हैं जो कि नोज़ की ओपनिंग्स हैं। नोज़ के अंदर एयर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर होती है, और ये ट्विन नंबर होते हैं। इनके इनर साइड पर हेयर मौजूद होते हैं, और इनका फंक्शन जो है एयर की फिल्ट्रेशन है और लार्जर पार्टिकल्स को ट्रैप करना है ताकि एयर को क्लीन किया जा सके। नोज़ के इन साइड हॉलो स्पेस होती है जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। एक्चुअली दो कैविटीज़ बनती हैं क्योंकि सेंटर में एक कार्टिलेजिनस सेप्टम मौजूद होता है जो कि इस नेजल कैविटी को दो पोर्शंस में डिवाइड कर देता है। नेजल कैविटीज़ बैक साइड पर ओपनिंग्स के थ्रू फेरेंक्स में ओपन होती हैं। नेजल कैविटी में फर्दर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें से पहली चीज़ है म्यूकस और दूसरी है सीलिया। तो म्यूकस इज़ अ स्टिकी सब्सटेंस दैट इज़ सिक्रेटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इस म्यूकस का पहला फंक्शन तो ये है कि ये डस्ट पार्टिकल्स को और पैथोजेंस को ट्रैप कर देता है, और दूसरा फंक्शन ये है कि जो एयर बॉडी के अंदर एंटर हो रही है उसको ये मॉइस्ट बनाता है और वार्म भी कर देता है। क्योंकि जब एयर बॉडी के अंदर एंटर होती है तो हो सकता है उसमें मॉइस्चर का लेवल कम हो या फिर वो ड्राई हो, तो जिसकी वजह से एयर पासेजवेज को या एल्वियोलाई को वो डैमेज कर सकती है। इसलिए इसको नियरली बॉडी कंडीशंस के साथ मैच करने के लिए ये दोनों स्टेप्स ज़रूरी होते हैं। अब देखें एयर को मॉइस्ट किस तरह से ये करेगी, कि अगर ये एपिथीलियम है
और उसके नीचे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है और यहाँ पर म्यूकस मौजूद होगा। तो म्यूकस का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ वाटर। तो जब एयर यहाँ से गुजरती है तो वाटर एवेपोरेट होकर उस एयर के अंदर एंटर होता रहता है और एयर मोइस्ट हो जाती है। और इसके अलावा कैपिलरीज यहाँ पे सरफेस के काफ़ी करीब होती हैं और उनका जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, और एंटर होने वाली एयर का टेम्परेचर इससे कम होता है। तो हम जानते हैं कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ पे जो हीट है वो रेडिएट होकर एयर के मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और नॉर्मली जब वो एयर लंग्स तक पहुंचती है तो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो चुका होता है, जो कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के करीब करीब ही होता है। ओके, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सीलिया। इसका भी पहला फंक्शन तो वही है कि एयर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, और दूसरा फंक्शन ये है कि ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। इनकी बीटिंग से म्यूकस बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है। तो अगर कोई जर्म्स, पैथोजेंस और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं तो उसको ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए फेरेंक्स तक ले जाता है। वहाँ से ये एसोफिगस के थ्रू स्टमक में एंटर हो जाते हैं, और हम जानते हैं कि स्टमक के अंदर एसिड्स और डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस म्यूकस को और उसमें मौजूद पैथोजेंस को डिग्रेड कर देते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इज़ फेरेंक्स, विच इज़ अ कोन शेप्ड पासेज वे। ये एक जंक्शन के तौर पे काम करता है जो कि एक साइड पर ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरी साइड पर ये एसोफेगस और लेरेंक्स के साथ कनेक्टेड होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फेरेंक्स इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। फेरेंक्स की इम्पॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये आपको स्वेलविंग और ब्रीथिंग दोनों काम अलाउ करता है। फेरेंक्स की वजह से आप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं और स्वेलविंग भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वेलविंग के लिए फूड को एसोफेगस में ले जाना है और ब्रीदिंग के लिए एयर को ट्रेकिया में ले जाना है। सो राइट चीज़ को राइट साइड पर लेकर जाना भी फेरेंक्स के काम में आता है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया है कि ये ऊपर वाली साइड पर ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, तो इन दोनों ओपनिंग्स का जंक्शन भी यही फेरिंग्स है। द अदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट हेयर आर ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस एक तरह की ओपनिंग है जहाँ से एयर ट्रेकिया में एंटर हो जाती है, और एपिग्लॉटिस उसके ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम सिंपली देखें तो जिस टाइम पे आप किसी चीज़ को स्वेलो करते हैं तो फूड एसोफेगस में चली जाती है, लेकिन वो ट्रेकिया में भी एंटर हो सकती है। लिहाजा पार्शली फॉर द सम टाइम ग्लॉटिस को क्लोज कर दिया जाता है ताकि फूड सिर्फ और सिर्फ एसोफेगस में जाए, ना कि ट्रेकिया में। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एपिग्लॉटिस किसी लिड की तरह ग्लॉटिस को क्लोज कर देती है, बट एक्चुअल मैकेनिज्म इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फंक्शन तो यही है लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ग्लॉटिस की पार्शियल क्लोजिंग एक्चुअली टंग की बैकवर्ड मूवमेंट से और ट्रेकिया की अपवर्ड मूवमेंट से होती है। जब आप किसी चीज़ को स्वेलो करते हैं तो आपकी टंग बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और ट्रेकिया थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। सो इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से ग्लॉटिस, जो कि पहले ज़्यादा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, अब वो लेस हॉरिजॉन्टल हो जाता है और पार्शली ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है। इस क्लोजिंग की वजह से एंटर होने वाली फूड ट्रेकिया में जाने के बजाय सीधी एसोफेगस में चली जाती है, और इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बोलते हैं तो सम टाइम कोई फूड पार्टिकल आपके ट्रेकिया में एंटर हो सकता है और फिर उसके रेस्पॉन्स में आपको खांसी वगैरह शुरू हो जाती है। अब इन्हीं मूवमेंट की वजह से एक तरफ तो ट्रेकिया पार्शली क्लोज हो जाता है, दूसरी तरफ ये नेजल ओपनिंग को भी क्लोज कर देता है ताकि फूड या जो चीज़ आप ड्रिंक कर रहे हैं वो किसी रॉन्ग साइड पर ना चली जाए। सो इसका मतलब है कि स्वेलविंग के दौरान में ट्रेकिया और नेजल कैविटी दोनों की ओपनिंग्स क्लोज हो जाती हैं ताकि फूड सिर्फ और सिर्फ एसोफेगस की जानिब ही जाए। थर्ड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ लेरिंक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है।
इसका एक फंक्शन तो वही है कि ये एयर पासेजवे के तौर पे काम करता है, एयर को लंग्स तक पहुंचने में ये हेल्प करता है, और इसका सेकेंड फंक्शन ये है कि ये ऑर्गन ऑफ वॉइस के तौर पे काम करता है। अगर आप इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कार्टिलेजिनस प्लेट्स मौजूद होती हैं जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और इसको कोलैप्स होने से भी बचाती हैं। ये कार्टिलेजिनस प्लेट्स जो कि लेरिंग्स की आउटसाइड पर मौजूद होती हैं, ये डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स और मसल फाइबर्स के साथ अटैच होती हैं। इंटरनली इनके अंदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस भी करते हैं और उनकी क्वालिटी को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। वोकल कॉर्ड्स आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द लेरिंक्स, और इनकी दो टाइप्स होती हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ट्रू वोकल कॉर्ड्स साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स वो होते हैं जो कि साउंड को मॉडिफाई करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। वोकल कॉर्ड्स के साथ रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम पिच कहते हैं। कॉमनली हम साउंड की थिकनेस को पिच कहते हैं। पिच का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ भी है। जैसे ही आप किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी को इनक्रीज़ करते हैं तो उसकी पिच हाई होना शुरू हो जाती है और साउंड थिन होने लगता है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करेंगे तो पिच कम होना शुरू हो जाएगी और साउंड थिक होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक बाइसिकल व्हील है और आप इसको रोटेट करते हैं और इसके साथ आप किसी स्टिक को टच करते हैं, तो जब इसकी स्पीड कम होगी तो आपको साउंड थोड़ा थिक सुनाई देगा, हैवी साउंड सुनाई देगा। लेकिन अगर आप इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज़ कर देते हैं और व्हील तेज़ी से रोटेट कर रहा है और जैसे ही आप स्टिक को टच करेंगे, आप नोट करेंगे कि ये जो साउंड है ये थिन होता जा रहा है, श्रिलर होता जा रहा है। तो इसी तरह वोकल कॉर्ड्स में भी होता है। मेल के वोकल कॉर्ड्स की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और कम फ्रीक्वेंसी की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा थिक होता है और उसकी पिच हम कहते हैं कि कम है। फीमेल्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स की लेंथ थोड़ी कम होती है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से साउंड थिन होने लगता है, यानी उसकी पिच हाई होना शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों की पिच भी काफ़ी हाई होती है, इसीलिए उनकी भी जो वॉइस होती है वो थिन होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट होती रहती है, तो उसके साथ साथ उनकी साउंड की पिच डिक्रीज़ होने लगती है और साउंड उनका थिक होना शुरू हो जाता है। फोर्थ पार्ट इज़ ट्रेकिया, जिसे हम कॉमनली विंड पाइप भी कहते हैं। दिस इज़ प्रेजेंट बिलो द लेरिंक्स एंड इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। लेंथ में ये 10 to 12 centimeters लॉन्ग होता है और इसकी विड्थ या डायामीटर जो है नियरली अबाउट 2 centimeters होता है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स पर मुश्तमिल होता है और इनकी तादाद 16 to 20 होती है। ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स कनेक्टिव टिश्यूज़ में एम्बेड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इन सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो ट्रेकिया कोलैप्स नहीं होती, उसको कोलैप्सिंग से ये प्रिवेंट करते हैं, और दूसरा क्योंकि इसके बिल्कुल बैक साइड पर एसोफेगस होती है और उसने फूड की एंट्री के मुताबिक डाइलेट होना होता है और उसके बाद उसने वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना होता है, तो इस दौरान में उसको डैमेज से बचाने के लिए ट्रेकिया की बैक साइड पर कार्टिलेज मौजूद नहीं होता, तो एसोफेगस ईजीली एक्सपेंड हो सकती है और डैमेज भी नहीं होती। तो यानी कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स की वजह से एक तो ट्रेकिया की वाल्स आपस में मिलकर कोलैप्स नहीं होती और ट्रेकिया कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता, और दूसरा इसकी वजह से एसोफेगस भी अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा ट्रेकिया में भी म्यूकस और सीलिया मौजूद होते हैं और उनका फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिफ्थ पार्ट इज़ द ब्रोंकाई, सिंगल को ब्रोंकस कहते हैं। जब ट्रेकिया चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर होती है तो ये स्प्लिट होकर दो स्टेम ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। इन ब्रोंकाई के डायामीटर और लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप राइट साइड के ब्रोंकस को देखें तो इसकी लेंथ थोड़ी कम है और डायामीटर थोड़ा सा ज़्यादा है। लेफ्ट साइड के ब्रोंकस में लेंथ ज़्यादा है और डायामीटर थोड़ा सा कम है।
डायमीटर के अंदर ये डिफरेंस इनके साथ अटैच्ड लंग्स के साइज में डिफरेंस की वजह से है, क्योंकि राइट साइड का लंग ट्राई लोब्ड है, उसका साइज बड़ा है, लिहाजा उसको ज़्यादा एयर चाहिए, इसी वजह से उसका डायमीटर भी थोड़ा सा ज़्यादा है ताकि इसमें से ज़्यादा एयर गुजर सके। लेफ़्ट साइड का लंग बाई लोब्ड है, उसका साइज़ थोड़ा सा कम है, उसको कम एयर चाहिए, इसलिए उसके साथ अटैच्ड ब्रोंकस जो कि लेफ़्ट ब्रोंकस है उसका डायमीटर थोड़ा सा कम है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो द स्ट्रक्चर इज़ सिमिलर टू ट्रेकिया, बट थोड़ी सी इसके अंदर डिफरेंस ये होते हैं कि इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होते, बल्कि कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं जो कि तमाम साइड से ब्रोंकस को सराउंड कर रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इसके साथ एसोफेगस नहीं है, लिहाजा ये कंप्लीट प्लेट्स होती हैं जो कि इसको कवर कर रही होती हैं। एयर कंडक्टिंग पोर्शन का लास्ट पार्ट यानी सिक्स्थ पार्ट ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होकर डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं और ब्रोंकियोल्स बनाते हैं। तो ये स्मॉल ट्यूब्स को हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं जो कि जिनका डायमीटर काफ़ी स्मॉल होता है। ब्रोंकियोल्स जब फर्स्ट टाइम स्प्लिट होते हैं तो जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम प्राइमरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं, जब वो सेकेंडली डिवाइड होते हैं तो हम उनको सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं, इसी तरह फर्दर डिवीजन से टर्शरी और क्वार्टरनरी ब्रोंकियोल्स बनते हैं। एट द एंड वो वाले ब्रोंकियोल्स जो कि डायरेक्टली अल्वियोलस के साथ अटैच होते हैं उन्हें हम टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहते हैं, बिकॉज वो इनके टर्मिनल पर मौजूद होते हैं, ब्रोंकियोल्स के बिल्कुल एंड पर मौजूद होते हैं और उनके आगे फिर अल्वियोलाई अटैच होते हैं। ब्रोंकियोल्स का डायामीटर 1 मिलीमीटर या उससे भी कम हो सकता है, क्योंकि जब ब्रोंकस एंटर होंगे तो डायामीटर ज़्यादा होगा, फिर जैसे फर्दर डिवीज़न होती जाती है इसके डायामीटर में रिडक्शन होती रहती है। ब्रोंकियोल्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी जो वाल्स हैं वो सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथीलियल सेल से बनी हुई होती हैं, उसके अलावा इसमें स्मूथ मसल्स की लेयर्स भी मौजूद होती हैं, और कार्टिलेज इनके स्टार्ट में मौजूद हो सकता है लेकिन जब ये आगे मूव करते हैं और साइज़ में स्मॉलर होते जाते हैं तो फिर उनमें कार्टिलेज मौजूद नहीं होता, और इनका जो डिस्टल पार्ट है यानी जो एंड वाला पार्ट है उसमें सिर्फ मस्कुलर रिंग्स मौजूद होते हैं, कार्टिलेज मौजूद नहीं होता। ब्रोंकियोल्स का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन लंग्स में एयर की डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इनका डायामीटर चेंज हो सकता है मसल्स की वजह से, तो इसलिए समटाइम्स ये डायलेट हो जाते हैं ताकि ज़्यादा एयर एंटर हो और समटाइम ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि कम एयर एंटर हो। आमतौर पे जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है और ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है तो उस दौरान में ये डायलेट हो जाते हैं और नॉर्मल कंडीशन में इनका डायामीटर थोड़ा कम हो जाता है। इसी के साथ ही एयर कंडक्टिंग पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट है गैस एक्सचेंज पोर्शन और उसमें हमने सिर्फ अल्वियोलाई और लंग्स को डिस्कस करना है। तो स्मॉल एयर सैक्स मिलकर अल्वियोलस बनाती हैं और एक से ज़्यादा को हम अल्वियोलाई कहते हैं, और इनके नंबर की बात की जाए तो तकरीबन 700 मिलियन अल्वियोलाई लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इनके इनसाइड वॉल्स होती हैं जो कि एक्सटेंड हो जाती हैं और इसकी एक्सटेंशन से इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ताकि गैस एक्सचेंज को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। इसी वजह से ये जो टोटल एरिया कवर करते हैं अल्वियोलाई वो तकरीबन 70 to 90 meters square तक हो सकता है। उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ जैसा कि इनकी वॉल्स की थिकनेस 0.1 micrometer होती है, वॉल्स मॉइस्ट होती हैं, वहाँ पे सर्फेक्टेंट मौजूद होता है और इनमें ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं, ये वही तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस की थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो ज़रूर देख लें। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि इन अल्वियोलाई को एयर की एंट्री के टाइम पे एक्सपेंड और बाद में रिकॉइल होने में हेल्प करते हैं, और इलास्टिसिटी की वजह से ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट लंग्स, क्योंकि ब्रोंकियोल्स और अल्वियोलाई दोनों लंग्स के अंदर ही मौजूद होते हैं, सो वी नो दैट लंग्स आर 2 in number एंड दे आर प्रेजेंट इन इंट्राथोरेसिक स्पेस विद इन द थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर ज़्यादातर जो स्पेस है लंग्स की वजह से ऑक्यूपाई होती है, और लंग्स वहाँ पर ब्रोंकाई और लार्ज ब्लड वेसल्स के थ्रू सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं और किसी साइड पर मसल्स के थ्रू अटैच नहीं होते। साइज़ की बात की जाए तो दोनों लंग्स साइज़ में स्लाइटली अनइक्वल होते हैं,
अगर हम टोटल लंग्स वॉल्यूम को 100% कंसिडर करें तो राइट लंग 56% वॉल्यूम को कवर करता है और लेफ्ट लंग तकरीबन 44% वॉल्यूम को कवर करता है। एंड द रीज़न इज़ दैट लंग्स का जो साइज़ है वो स्लाइटली अनइक्वल है। राइट लंग इज़ अ ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर, उसके अंदर तीन लोब्स होते हैं, अपर लोब जिसे हम सुपीरियर लोब कहते हैं, फिर मिडल लोब और सबसे नीचे इन्फीरियर लोब। लेफ्ट लंग जो है दैट इज़ अ बाई लोब्ड स्ट्रक्चर और उसके अंदर सिर्फ दो लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब और एंड इन्फीरियर लोब, और साइज़ में ये डिफरेंस एसिमेट्रिक पोजिशन ऑफ हार्ट की वजह से होता है। हार्ट क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है इसलिए लेफ्ट लंग साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। और लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट मौजूद होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, ये लंग्स की एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। उसके बाद लंग्स की आउटसाइड पर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसे पिल्योरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये मेम्ब्रेनस सैक एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है। पिल्योरल मेम्ब्रेन एक्चुअली एक टफ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट डबल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर फ्लूइड भी मौजूद होता है। इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में पहला फंक्शन ये है कि ये लंग्स को प्रोटेक्ट करती है किसी भी डैमेज से, ट्रॉमा से या इंजरी से। सेकेंड फंक्शन है कि एयर लीक होकर वो थोरेसिक कैविटी में आ सकती है, तो एयर की लीकेज को भी ये प्रिवेंट करती है। और थर्ड फंक्शन ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है क्योंकि ये इसमें फ्लूइड मौजूद होता है और उसके अलावा ये हार्ड होती है आउटसाइड पर, तो लंग्स को डायरेक्ट थोरेसिक वाल्स के साथ रबिंग से ये बचाती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बने हुए बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास फौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।